नमस्कार, मैं आपके साथ अरुणम जहांशेख और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जिस तरह से इंसान खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकता, ठीक वैसे ही पानी के बिना भी मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। आप खाने के बिना फिर भी कुछ दिन तक जी सकते हैं, लेकिन पानी के बिना आप बिल्कुल भी नहीं जी सकते। आप समझिए कि पानी आपकी जिंदगी में कितना खास है। पर सवाल यह है कि जो हम पानी जीने के लिए पी रहे हैं, क्या वो वाकई में जिंदा रखने के लिए है या नहीं? जिस पानी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं? क्या आपके शहर में मिलने वाला पानी साफ है या नहीं? ये जानने के लिए इंडिया न्यूज ने रियलिटी चेक मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के जरिए हम आप तक आपके शहर में पानी के क्या हालात हैं इसके बारे में बताएंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। रोज आपको आपके आसपास के शहर में पानी के हालात के बारे में हम आपको बताते भी हैं। आपके क्षेत्र में पानी के लिए सुविधाएं कैसी हैं इसके बारे में भी आपसे जानकारी देंगे। यही जानने के लिए अलग अलग जगह से रिपोर्टर जुड़ेंगे और जनता से बातचीत भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कई ऐसे शहर हैं जहां पर पानी की किल्लत साफ तौर पर देखी गई, और खासतौर पर जब हमने रियलिटी चेक शुरू किया और इस माध्यम से हम अलग अलग जिलों में गए, अलग अलग कस्बों में गए, जहां पर हमने देखा कि लोग जो है पानी की किल्लत से काफी ज्यादा परेशान है। पानी की जो किल्लत है वो कई सालों से इसी तरीके से बनी हुई है, लेकिन जनता की परेशानी जो है वो सुनने के लिए कोई भी नहीं है। और इसी रियलिटी चेक के माध्यम से हम जनता की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस रियलिटी चेक की शुरुआत की है, इससे ये साफ तौर पर हम आप तक आपकी जन कस्बे और आपके गांव और आपके जिले की हकीकत जो है उससे रूबरू करवाते हैं जनता को। क्योंकि जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, और ना ये सिर्फ स्थिति गर्मियों में नहीं, इस तरह की स्थिति जो है 12 महीने रहती है, जिसकी वजह से जनता जो है बेहद ज़्यादा परेशान नज़र आती है। जब वोट की बात आती है तो तमाम नेता जो है वादे करते हैं, लेकिन उन वादों को जब पूरा करने का वक्त आता है तो धरातल पर कोई भी काम नहीं होता है, और इसका खामियाजा साफ तौर पर जनता भुगतती है। और ऐसे में आज हम अलग जगह की बात करेंगे, अलग जिला से जो है हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, और वहाँ पे क्या कुछ है रियलिटी चेक पानी को लेकर इसके बारे में हम जानेंगे, जनता से बातचीत भी करेंगे। क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से योजनाएं तमाम चलाई जा रही है, कई ऐसे जिला है, कई ऐसे गाँव है जहाँ पर नल है, पाइपलाइन भी बिछाई गई है, लेकिन उसके बावजूद जनता जो है एक बूंद पानी को तरस रही है। लेकिन आखिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है, इसको लेकर भी हम विचार से जनता से ही समझने की कोशिश करेंगे। और इस रियलिटी चेक का मकसद भी यही है कि जनता की आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाना, उनकी समस्याओं को सुनना, क्योंकि ये जो समस्या है काफ़ी लंबी समस्या है, और यही कारण है कि जनता जो है इसका खामियाजा काफ़ी लंबे वक्त से भुगतती आ रही है। आपको बता दें कि जितना खान पान जरूरी है और इंसान के लिए जितना कपड़ा रोटी और मकान जरूरी है, उससे कई गुना ज़्यादा जो है पानी भी ज़रूरी है। अगर पानी नहीं है तो आप समझ लीजिए कि कई सारी ऐसी परेशानियां हैं जिसका सामना इंसानों को करना पड़ सकता है, और ना ही सिर्फ इंसानों को, जानवरों को भी। अब गर्मियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, इसको लेकर भी प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की है ये भी हम अपने सहयोगी से जानने की कोशिश करेंगे। तो इस रियलिटी चेक के माध्यम से आपको ये हम बताएंगे कि आपके कस्बे, आपके गाँव और आपके आसपास के इलाकों में पानी की क्या स्थिति है। क्या आपके घर में जो पानी आ रहा है वो शुद्ध है या नहीं है? अगर शुद्ध नहीं है तो कहीं ना कहीं जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, और यही कारण होता है कि फूड पॉइजनिंग जैसे शिकार जनता हो जाती है, और उसका खामियाजा आम जनता भुगतती है और अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। आपको बता दें कि जल है तो कल है, लेकिन अगर जल ही नहीं है तो आप कल समझ सकते हैं कि कल कितने अंधेरे में है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये समस्या है काफ़ी लंबे वक्त से इसी तरीके से समस्या बनी हुई है, और इसका खामियाजा आमतौर पर जनता भुगत रही है। कई ऐसे कस्बे, कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर महिलाएं जो है लंबी लंबी कतारों में लगती है और कई कोस दूर जाकर पानी लेकर आने को मजबूर हो जाती है। और आप ये भी अंदाज़ा लगाइए कि इस गर्मी के मौसम में अब महिलाओं को कितनी ज़्यादा मशक्कतें करनी पड़ती होगी, घर के काम को कैसे मैनेज करती होंगी महिला, ये तमाम बातें जो है महिलाओं से जानेंगे। हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ेंगे, और ग्राउंड से हम आपको हकीकत से रूबरू करवाते हैं। और इस रियलिटी चेक का मकसद भी यही है कि ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने योजनाएँ बहुत चलाई है, उसका जनता कितना लाभ उठा पा रही है। इस रियलिटी चेक के माध्यम से हम आपको उस हकीकत से रूबरू करवाएंगे। तो आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारे गांव हैं, ऐसे बहुत सारे कस्बे हैं जहां पर पानी की किल्लत जो है काफ़ी लंबे वक्त से बनी हुई है, और ये समस्या का कोई भी हल अभी तक नहीं निकल कर आ पाया है। नगर पालिका को भी तमाम अवगत करवाए जाते हैं, जनता ने कई बार शिकायतें भी की है, लेकिन उसके बावजूद जनता की इस समस्या पर कोई भी ध्यान नहीं देता है।
तो पानी की किल्लत बेहद ज्यादा गंभीर है ये किल्लत, और आखिर इस किल्लत से जनता को कैसे निजात मिलेगा इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। खुद हम जनता से जानने की यहाँ पर कोशिश भी करेंगे। तो साफ तौर पर इस रियलिटी चेक के माध्यम से आपको हम हकीकत से रूबरू करवाएंगे, क्योंकि जितनी भी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई है उसका जनता को कितना लाभ मिल रहा है, मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको लेकर ये रियलिटी चेक की हमने शुरुआत की है। और इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रोजाना आपको एक नई जगह से रूबरू करवाता है, एक नए जिले से रूबरू करवाता है। चलिए तो हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्वालियर से संजय जुड़ चुके हैं। संजय, वहां पर रियलिटी चेक क्या है, क्या जनता पानी की किल्लत से परेशान है? बिल्कुल तरनम, यहाँ पर मैं बता दूं ग्वालियर में पारा जो है 44 डिग्री के आसपास अभी पिछले कुछ दिनों से है, और लगातार जो है पानी का जो जल स्तर है वो भी लगातार कम होता जा रहा है। वहीं नगर निगम द्वारा मात्र 4 लाख लोगों को पानी यहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है, जबकि ग्वालियर की आबादी कुल मिलाकर जो है 16 लाख से ज्यादा है। मैं बता दूं कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कि एक दिन छोड़ के पानी आता है, वो भी 15 मिनट से लेके आधे घंटे के बीच पानी आता है, तो 2 दिन का जो पानी है मात्र उनको आधे घंटे या 15 मिनट के अंदर भरना पड़ सकता है। तो मैं बता दूं आपको, ये तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टंकी रखी हुई है पानी के लिए, टंकी रखी हुई है, एक दिन पहले ये टंकी रख दी जाती है और इसके बाद में दूसरे दिन पानी आता है, तो ये लाइन काफी लंबी हो जाती है जिस दिन पानी आता है, हालांकि आज पानी नहीं आया है। और यहाँ पर तमाम सारी महिलाएं भी मौजूद है मेरे साथ, उनसे बात करेंगे किस तरीके से इस समस्या को देखती है। माता, ये गर्मी पड़ रही है, गर्मी और आगे आने वाली है और ज्यादा पानी की किल्लत होगी, तो किस तरीके से देखती है कि लगातार पानी की टंकियां यहाँ पर रखी है, कैसे पानी भरती है, कैसे पानी आपको मुहैया मिलता है? आप बताएं, आपने कहीं शिकायत की है पानी को लेके? तमाम सारी जो परेशानी आपको भुगतनी पड़ती है पानी को, हर हर गर्मी में ये कंडीशन होती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद है जो कि पानी के लिए परेशान है, त्रस्त है, लेकिन पानी की सुनवाई है। मैं बता दूं ये इलाका जो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर है प्रदेश के, उनका इलाका है, वो यहाँ के विधायक है, लेकिन बावजूद इसके वो अब तक उनकी जो यहाँ के निवासी है उनकी पानी की समस्या पूरी नहीं कर पाए हैं। जी आप बताएं थोड़ा सा, ये किस तरीके से पानी की समस्या को देखते हैं लगातार? हालांकि यहाँ पर जो सरकार का ये कहना है कि अब 80% समस्या आपके क्षेत्र की दूर हो गई है। सर, ये बीजेपी जब से क्या है इस क्षेत्र में, जब से यहाँ पर उन्होंने अपना जो भी यहाँ किया है, जब से क्या है हमारे ये मोहल्लेवासी दूसरी मोहल्ले के अंदर इतनी महिला है और छोटे से लेकर बड़े तक बच्चे साइकिलों पर ये पानी ढो ढो के, हम ये समझ लो सेवा नगर से लेके आते थे और हमारी साइकिलें भी ये टूट चुकी हैं, और सीवर लाइन का पानी क्या है उसमें कनेक्ट करते हुए सफाई नहीं हो रही है, गंदा पानी भी कई बार हमने क्या भर के बताया भी है लोगों को मैंने क्या है, और आयुक्त महोदय का जो आज भी मेरे पास लेटर रखा हुआ है उसमें कंप्लेंट करके मेरे पास नंबर वगैरह सभी हैं, उसमें क्या बता भी दिया है मैंने, और सीवरों की सफाई कराने के बाद उन्होंने ये बताया कि भैया आज करवा देंगे, आपको साफ पानी मिलेगा और आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो निगम द्वारा जो उपयुक्त पानी का जो है मुहैया यहाँ पर कराया जा रहा है, हालांकि तमाम सारी शिकायतें इन लोगों ने की हैं, और भी मेरे साथ मौजूद है उनसे बात करेंगे। यहाँ पर सीवर की समस्या मुख्य है कि सीवर युक्त पानी यहाँ पर मिल रहा है, तो इसको लेकर क्या आपने किया है अब तक? क्योंकि लगातार जो मैं आपको दे यहाँ पर इससे पहले भी मैंने एक खबर बढ़ाई, तो उसमें भी जो नाली के अंदर पाइप, नाली के अंदर जो पानी के पाइप, पेयजल के पाइप जा रहे थे, तो सीवर की समस्या पानी को लेकर काफी ज्यादा है कि पानी सीवर मिला पानी पीने पर मजबूर हो रही है जनता। क्या है, जब से ये भाजपा की सरकार आई है, क्योंकि मैं यहाँ पास रहा हूँ, पहले अपना पूर्व हो गया हूँ, लगातार मेरे कार्यकाल में मैं जानता हूँ जितनी पब्लिक जो खड़ी हुई है कोई ये नहीं कहा कि मार्ट हुई है ना, हमारा कोई काम नहीं कराया, लेकिन अब चक्कर से है कि सरकार बीजेपी की है, विधायक बीजेपी के, मंत्री बीजेपी के हैं, मैं लगातार अधिकारी को शिकायत करता हूँ कि सब इतना गंदा पानी पीने को नहीं मिल रहा है। मैंने हमारे ब्लॉक जी ने सुनी समझ लगातार इन लोगों के लिए हम जहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पर ये सरकार बिल्कुल सुनने को मंजूरी नहीं है, इतना गंदा पानी आ रहा है। दूसरा, जो पानी यहाँ मंजूर हुआ था वो डेली हुआ था, डेली पानी यहाँ डेली मिलेगा, पानी डेली तो आएंगे, आधा घंटे पानी भी नहीं, 15 मिनट पानी मिल रहा है। ये लोग जिसको, जब मेरे कार्यकाल में लोग डेली पानी को घर मिलता था, आज ये लोग दोबारा पानी पीने के लिए
हजीरे से सेवरा से पानी भर के लेके आ रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? अधिकारी फोन उठाता नहीं है, फोन लगा अधिकारी को कि साहब मैं बोल रहा हूँ, पार्षद बोल रहा हूँ, पुरस्कार कुछ सुनते ही नहीं है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इन लोगों को हमसे दूर जाना है, क्योंकि पार्षद कांग्रेस का है और बिल्कुल संजय साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि वहाँ पर पानी की जो किल्लत है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सीधा रेवाड़ी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आखिर वहाँ पर किस तरह की रियलिटी चेक है, क्या वहाँ पर भी जनता पानी को लेकर परेशान है? पानी की रेवाड़ी एक वो स्थान है जहाँ पर कभी टैंकरों से पानी आता था, बड़ी समस्या होती थी। अभी यहाँ पर भीतरी पाइपलाइन परियोजना जो बेतवा के पास से अभी पाइपलाइन शुरू हुई है, वहाँ से पानी की व्यवस्था अभी 2-3 साल पहले ही यहाँ पर हुई है। उससे थोड़ा से ये समस्या आई है, जो बोर इस समय बोर वेलों में पानी कम हो जाता था, पानी की बड़ी दिक्कत होती थी। अब मैं यहाँ के वार्ड नंबर 5 में यहाँ के रहवासियों के बीच में खड़ा हूँ। यहाँ अब पूछता हूँ कि अब पहले में और आज में पानी में कितना अंतर आया है, क्या है? नेहा जी बताइए, क्या दिक्कत होती थी पहले और अब क्या है? पहले हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, पानी नहीं आता था, बहुत बहुत दिन तक नगर पालिका का पानी नहीं आता था। लेकिन जब से ये परियोजना आई है तब से पानी की किल्लत तो कम हुई है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर अभी कम है हमारे यहाँ पर। जो पहली मंजिल पर रहने वाले लोग हैं, दूसरी मंजिल पर है, वहां तक पहुँचने के लिए अभी हमें मोटर का इस्तेमाल करना पड़ता है और थोड़ा सा समय का अभी अभाव है कि थोड़ा समय की एक व्यवस्थित वो नहीं है कि एक फिक्स समय पर पानी आए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अभी जैसे बताया है पानी का जो शेड्यूल है, अभी पाइपलाइन 2 साल पहले डली थी, बड़ी बड़ी दिक्कतें यहाँ। अभी बड़ा नगर होने के कारण अभी निवाड़ी जस्ट जिला बना है यहाँ का, और सारी कॉलोनियां डेवलप हो रही है, लोग बस रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, पानी की उपलब्धता यहाँ बढ़ेगी। और ऐसे में यदि लगातार गर्मी पड़ती है तो आपको क्या लगता है पानी का कम होगा क्या? देखिए पानी इसी तरह की व्यवस्था रही तो यहाँ वाटर लेवल नीचे जाएगा, लोगों को बड़ी दिक्कत होगी। फिलहाल अभी मीडियम चल रहा है पानी का हिसाब किताब, लेकिन गर्मी बढ़ी, जो जो महीने आगे चलेंगे तो इस हिसाब से वाटर लेवल कम होगा तो लोगों को पानी की बहुत दिक्कत जाएगी। इसलिए थोड़ा सा और सुधार किया जाए तो जनता को आराम मिलेगा, उससे नहीं तो परेशानी बहुत हो जाएगी। तो ज्यादातर ध्यान ये दिया जाए कि बात पानी की सप्लाई और ज्यादा हो, लोगों को आराम से पानी मिल सके। उसका कोई अभी समय निर्धारित भी नहीं है, इंतजार पूरा करना पड़ता है कि 2 बजे आएंगे, 1 बजे आएगा, 2:30 बजे आएगा, 10 बजे आएगा, तो वो भी व्यवस्था बनानी पड़ेगी थोड़ा सा जो। बिल्कुल बिल्कुल, पानी की समस्या, गर्मी जिस तरह हम देख रहे हैं यहाँ पर 40 से 45 के बीच में टेम्परेचर पहुंच जाता है, पानी के लिए बड़ी दिक्कतों का यहाँ। और भी हमारे साथ कुछ माताएं बहने यहाँ उपस्थित है, कुछ बच्चे यहाँ, पानी की यहाँ दिक्कत रहती है, बताइए पंडित जी, और पानी व्यवस्थित हो उसके लिए क्या करना चाहिए? भाई समय से पानी पहुंचा दे और क्या है, एक समय निर्धारित हो जाए, 12 बजे आए तो 12 बजे कम से कम। और बिल्कुल यहाँ जो अभी बताया है, जो नल यहाँ पर पाइपलाइन के द्वारा नल के द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है, वहाँ समय निर्धारित नहीं है, कभी 20 मिनट पानी दे दिया जाता है, कभी 30 मिनट 40 मिनट। इस तरह पानी की हर ज्यादा जरूरत इस समय पड़ती है गर्मी में, क्योंकि कूलर जिस तरह से यहाँ लू चल रही है तो पानी कूलरों में भी लोग उपयोग करते हैं, तो ऐसे में पानी की समस्या बिल्कुल निदान कैसे हो लोगों बिल्कुल की? विवेक यहाँ पर पानी की समस्या जो बनी रहती है, गर्मी में ज्यादा इस्तेमाल भी होती है और इसका खामियाजा सीधा जनता भुगत रही है। विवेक बने रहिएगा, सीधा हम संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, आखिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है, क्या कभी जनता ने इसको लेकर विरोध नहीं जाहिर किया, क्या प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया? आपको दिखाना चाहूंगा जो कि प्रशासन और नगर निगम को सीधे तौर पर आईना दिखाती है, प्रतीत होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है टिल्लू पंप लगे हुए हैं, आज पानी यहाँ पर दूसरा इलाका है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं उसके तो वहाँ पर टिल्लू पंप लगे हुए हैं। और मैं बता दूं ये एरिया वो है डेली यहाँ पर लोग जान पर खेल कर जो है वो पानी भरते हैं रोज, और आप देख सकते हैं यहाँ पर तारों का जाल बिछा हुआ है, कहीं ना कहीं करंट लगने की लगातार संभावना है और पानी भरा जा रहा है। यहाँ पर तमाम सारी महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है और देखिए आप पानी की लाइन खुल चुकी है और उसके बीच में तार जा रहे हैं, कितना खतरनाक हो सकता है ये। और ये बता दूं कि विद्युत जो ऊर्जा मंत्री है उनका इलाका है ये, और यहाँ पर जो है जान खतरे में डालकर डेली पानी भरते हैं, पानी ना पिए तो मजा आए और पानी पिए तो कहीं ना कहीं खतरा है, बड़ा खतरा है।
कुछ और लोग यहाँ पर महिलाएं उनसे बात करेंगे किस तरीके से ये देखती है माता ये बेलियां पानी भरती हैं तो क्या बिल्कुल 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 आप ये बताएं मुझे कि कब से कितना समय हो चुका कितना समय हो चुका है यहाँ पे पानी भरती हुआ तो अभी तक आपका कोई आपका किसी किसी ने कोई नेता जो यहाँ पे वोट मांगने आते हैं या अधिकारी शिकायत की है आपने बिल्कुल तरह लोग तो यहाँ पर शिकायत तमाम सारे लोग करते हैं और भी लोग मौजूद हैं आप बताएं थोड़ा सा क्या बिल्कुल तो लोगों को यहाँ पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और मैं बता दूं यहाँ पर गर्मी पड़ने वाली है तो गर्मी के चलते पानी पानी कमी होती जाएगी वहीं नगर निगम अभी से एक दिन छोड़ के पानी दे रहा है तो आगे जाके क्या स्थिति होने वाली है ये आप खुद समझ सकते हैं। जी तरह संजय यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या इस तरह की स्थिति सिर्फ गर्मी में रहती है फिर 12 महीने इसी तरह की स्थिति बनी रहती है कहते हैं कि आप थोड़ा सा ये बताएं यहाँ पर ये स्थिति केवल गर्मी में होती है या 12 महीने ऐसी स्थिति है क्योंकि ऊंची ऊंची जगह पर पानी नहीं आ पाता है तो ये टिल्लू लगातार लगे हुए काफी सारे टिल्लू ये स्थिति गर्मी में ज्यादा हो जाती है क्योंकि स्थिति नए पूरे दमन सरकार से जब अमृत योजना के तहत हमने पानी के लिए डलवाई पहाड़ पे 400 रुपए बच्चू करा के लिए कराई तो 400 रुपए नहीं कराई कनेक्शन हो गए अगर वो लैंड चालू हो जाएगी तो लोगों को पानी ऊपर ही मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है कहीं लैंड नहीं है कहीं लैंड खोल हो गई टंकी नहीं है टंकी खाली हो गई जा कहीं यहाँ पर लगातार महिला गाड़ी पहाड़ से नीचे पानी भरने के लिए आती है और पानी को इतना 15 मिनट आधा घंटा उसके बजाय लोग कुछ लोग आएंगे पानी पर कैसे लेके जाएंगे बिल्कुल तो एक बड़ा सवाल है कि पानी कैसे लेके जाएंगे पहुंचेगा हालांकि आधा किलोमीटर के आसपास ऊपर है ऊपर से महिलाएं आती हैं यहाँ से पानी भर के लेके जाती हैं टिल्लू पंप के बावजूद भी लोग यहाँ पर काफी परेशान हो रहे हैं लोगों बिल्कुल संजय यहाँ पर जनता अपनी जान को जोखिम में डालकर पानी भरने को मजबूर है। संजय बने रहिएगा सीधा हम विवेक का रुख कर लेते विवेक आखिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है क्या कभी जनता ने इसको लेकर शिकायतें दर्ज नहीं की या फिर प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया बिल्कुल तरन्नम जी समस्या यहाँ है लोगों को क्योंकि यहाँ जो भीषण पानी की समस्या कभी होती थी उसके लिए एक उम्मीद थी निवाड़ी के लोगों को कि ये भीतरी पाइपलाइन परियोजना आएगी और लोगों की प्यास बुझाएगी इससे यहाँ पानी जो है लोगों को घर घर में मुहैया आसानी से हो जाएगा वो पानी आसानी से नहीं उपलब्ध हो पा रहा है कहीं ना कहीं जब परियोजनाएं आती हैं तो उनमें बड़ा भ्रष्टाचार भी होता है यही चीज यहाँ देखी गई है जो पाइपलाइन कहीं डाली गई है कहीं नहीं डाली गई है और कहीं बाल नहीं लगाए हैं तो लोगों को रेगुलर जो पानी है वो नहीं मिल पा रहा है। यहाँ की एक दो पार्ट ऐसे है जहाँ पे पाइपलाइन डाल ही नहीं गई तो ऐसी परियोजना जहाँ से लोगों को उम्मीद है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक ये भ्रष्टाचार लोगों की जहाँ पर आशा होती है कि ये पाइपलाइन परियोजना आ जाने से निवाड़ी की पानी की जो नगर की समस्या है वो पूर्णतः खत्म होगी लेकिन वो नहीं हो पा रही है लोगों को एक निश्चित समय पे पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है आज भी वो समस्या बनी हुई है। हालांकि इतना जरूर हुआ है जो पानी के लिए डिब्बों में लोगों ने 5-5 रुपए में एक एक 10 लीटर पानी लिया है ये वो समय भी निवाड़ी के लोगों ने देखा है तो ऐसे में सरकार से लोगों की बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं और हुई भी इस परियोजना से कहीं कहीं पानी अधिक मात्रा में लोगों को उपलब्ध हो जाता है कुछ वार्डों में जहां पर व्यवस्था लेकिन कुछ वार्ड अभी भी ऐसे हैं जहां पर पानी के लिए लोग परेशान। बिल्कुल विवेक एक बार आप जनता से भी बातचीत कीजिए कि ये स्थिति सिर्फ गर्मियों में ही रहती है या फिर पूरे साल इसी तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है जनता को। ये जो पानी की दिक्कत आती है वो गर्मियों में रहती है कि वो कभी कभी गर्मियों में रहती है जो आ रहा है लेकिन जैसे जैसे हमें ये डर है कि मौसम आएगा जून के महीने में ये जो भीतरी पर तो ये भी डर हमें रहता है तो हम चाहते हैं कि व्यवस्था ऐसी हो कि हमें रोज पानी मिले प्रॉपर समय पर मिले बिल्कुल कहीं ना कहीं पानी की समस्या को लेकर हमारी घर की जो माताएं हैं बहने पहली प्राथमिकता क्योंकि लोग घर से बाहर जाते हैं उन्हें पानी से जूझना पड़ता है इसलिए निश्चित रूप से लोगों को रोज पानी मिले जब करोड़ों रुपए शासन ने लगाए हैं तो ये जनता का अधिकार बनता है वो उसका टैक्स देते हैं पानी का टैक्स देते हैं तो उन्हें समय से एक निश्चित समय में और नियमितता पानी की रहे प्रशासन को यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता।
बिल्कुल विवेक, बने रहिएगा, सीधा संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, हम चाहेंगे कि आप एक बार तस्वीरें दिखाइए कि जनता कैसे जान को जोखिम में डालकर पानी भरती है, क्योंकि वोट के टाइम पर वादे पूरे किए जाते हैं लेकिन जब उन वादों को पूरा करने का वक्त आता है तो कोई भी ध्यान नहीं देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तरन्नुम के, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो काफी परेशान हो रही हैं, एक एक बूंद के लिए यहाँ पर परेशान होती हैं। और देखिए गंदगी की आप बात कर ले तो नाली के अंदर से पाइपलाइन जा रही है, तो कहीं ना कहीं सीवर युक्त पानी यहाँ पर सप्लाई हो रहा है नगर निगम द्वारा। वहीं अमृत योजना यहाँ पर बिछाई जा चुकी है, लेकिन अहम सवाल यह है कि यहाँ तक पानी नहीं आ पाता है। पानी का दबाव जो है काफी कम होता है, टिल्लू पंप लगने के बावजूद लोग यहाँ पे, आप देख सकते हैं बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जान जोखिम की यदि बात कर ले तो मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि ये थोड़ा सा दिखाएं, यहाँ पर ट्रांसफार्मर है छोटा सा, वहां पर तारों की लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना, मतलब जो महिलाएं हैं, लोग हैं, बच्चे हैं, वो जान को खतरे में डालकर यहाँ पर पानी भर रहे हैं। तो सबसे अहम बात ये है कि सरकारें जिनको जनता टैक्स देती है, जो जनता के टैक्स से पलती है, वे सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है और हर गर्मी में उनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। हालांकि सर्दियों और अन्य जो मौसम है वहां पर भी ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि ऊपर से आधा किलोमीटर ऊपर से पानी यहां पर लेके महिला लेके यहां से जाती है, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। लेकिन बड़ी जो अहम बात यह है कि प्रशासन और निगम यहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि है यहाँ के वो भी कहीं ना कहीं असहाय सा महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि अमृत योजना डल चुकी है लेकिन पानी अभी तक नहीं आया है, तो ये बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल संजय, अब पानी की किल्लत साफ तौर पर देखने को मिल रही है। संजय और विवेक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रियलिटी चेक में आपने देखा कि किस तरीके से पानी की किल्लत से जनता बेहद ज्यादा परेशान है। अगर ग्वालियर की बात की जाए तो वहां पर जनता अपनी जान को जोखिम में डालकर पानी भरने को मजबूर है, और इस रियलिटी चेक के माध्यम से हम जनता की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाते भी है। फिलहाल रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।